जी, आज मैं आपको लेके आया हूँ चकदरा म्यूज़ियम दीर का। इसकी अथनोलॉजी की साइट्स मैं आपको दिखाता हूँ। अक्सर हम ये होता है कि हम चकदरा गुजरते वक्त, आगे जो कलाम जाते वक्त, स्वात जाते वक्त हम गुजर जाते हैं और ये चीज़ हम छोड़ देते हैं। ये देखिए जी, एनसीएट उनकी जो है ना, वो तलवारें, असला वगैरह, ठीक है। और वो सामने इनका जो है ना, ये ज्वेलरीज वगैरह, पूरा एक जो है ना, वो पूरी एक सकाफत यहाँ पे दफन है, बल्कि महफूज है। आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये चकदरा जो फोर्ट है, इसके बिल्कुल पास ही चकदरा ये म्यूज़ियम है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये गंधारा तहजीब और बुद्धमत के हवाले से आपको एक शानदार यहाँ पे ख़जाना देखने को मिलेगा। ये देखें जी, ये बुद्धा के खड़े होने का पत्थर है। ये देखें कितना बड़ा है, ठीक है। मेरा पांव इसके सामने बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। ये गंधारा तहजीब के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इन्हें क्या होगा, सेक्शन है इस्लामिक, ठीक है। इस्लामिक सेक्शन में इनके पास जो है ना, वो हाथ के लिखे हुए कुरान हैं फ़ारसी के, और आगे पीछे और दूसरे नुस्खे हैं जो कि हाथ से लिखे हुए हैं। देखिए इनका कितनी बड़े जो है ना, वो एक कुरानिक लाइब्रेरी है इनके पास। इसके अलावा ये देखिए, इनके पास ये ज़रूफ़ हैं, बहुत ही खूबसूरत, और ये बुद्धा के मुतालिक हैं चाइनीज़ के वाले से। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी। लेकिन आप याद रखें, जब भी आप इधर आएँ और चकदरा फोर्ट से थोड़ा ही आगे, जैसे आप राइट साइड पे माराकंड की तरफ या शमुदई की तरफ आप जाएंगे, आपने बिल्कुल चौक के ऊपर ही ये म्यूज़ियम है, ये आप देख सकते हैं। सारा का सारा बुद्धिज़्म के जो है ना, वो मज़हब से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये टोटल जो है ना, यहाँ की, यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उसके हवाले से है ये जी, दीर म्यूज़ियम चकदरा। इसके हवाले से थोड़ी सी ये गंधारा तहजीब के हवाले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये गंधारा तहजीब पे इधर उर्दू में लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। ये जी टिकट के हवाले से, और ये बिल्कुल आपके सामने ये चौक है, आपके सामने ये इसकी मेन एंट्रेंस। और उम्मीद है आप जब भी यहाँ पे आएँ और इस तहजीब को ज़रूर देखें। चकदरा म्यूज़ियम बहुत ही शानदार, यहाँ पे आपको गंधारा तहजीब, यहाँ पे लोकल स्वात वैली की जो चीज़ें हैं वो, और इसके अलावा जो है ना, वो कुरानिक कुरान के जो नुस्खे नुस्खाए हैं जो कि हाथ से लिखे हुए हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी हम आगे इंशाल्लाह एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो इससे पहले से एक्सप्लोर नहीं हुई थी, ठीक है। तो वो शाही के नाम पे है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। राधे जी, अल्लाह हाफिज़।